इफ ए मैट्रिक्स है प्रूव दैट ए आई प्लस बी ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन इंटू आई प्लस एन ए बी एन माइनस वन बी ए वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन एन इज पॉजिटिव इंटीजर ऑर्डर सॉरी टू टू क्रॉस टू ऑर्डर की मैट्रिक्स है ऑर्डर है इसमें टू ऑर्डर टू एंड एन इज पॉजिटिव इंटीजर हमें ए मैट्रिक्स गिवन है हमने ये चीज प्रूव करनी है और प्रूव करने के लिए एन को हम सॉल्व करेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन तो इसमें इंडक्शन लगाएंगे तीन स्टेप करेंगे फर्स्ट एन को वन पुट करेंगे सेकंड में एन को एम पुट करेंगे और थर्ड में एम प्लस वन तो फर्स्ट स्टेप है हमारा स्टेप फर्स्ट पुट एन इज इक्वल टू वन वन पुट करेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड में पुट करने लगे लेफ्ट हैंड साइड क्या है ए आई प्लस बी ए की पावर एन तो एन की जगह वन रखने लगे ए आई प्लस बी ए की पावर वन यानी ये क्या आ जाएगा ए आई प्लस बी ए लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया अब हम पुट करने लगे हैं राइट हैंड साइड क्या है ए की पावर एन इंटू आई प्लस एन ए एन माइनस वन बी ए ये राइट हैंड साइड है अब हम एन की जगह यहां भी वन पुट करने लगे हैं एन की जगह हम वन पुट करने लगे हैं एन की जगह वन रखेंगे इंटू आई प्लस यहां पर भी एन की जगह वन ए एन की जगह यहाँ वन माइनस वन इंटू ए आ जाएगा ए की पावर वन इंटू आई मीन्स ए आई प्लस यहां पर बी आ जाएगा तो ए की पावर वन माइनस वन जीरो बी ए तो ये आ जाएगा ए आई प्लस ए की पावर जीरो कितना होता है वन बी ए आ जाएगा ए आई प्लस बी ए तो लेफ्ट हैंड साइड ए आई प्लस बी आई है राइट हैंड साइड भी ए आई प्लस बी आई है तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सो देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन एन इज इक्वल टू वन लिए रिजल्ट ट्रू हो गया अब स्टेप सेकेंड क्या है सपोज कर लेते हैं सपोज दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू एम सेकेंड स्टेप में एन की जगह हम एम रखते हैं और रिजल्ट सेकेंड स्टेप के लिए ट्रू है तो एन की जगह एम रखते हैं यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेकेंड स्टेप के लिए ट्रू है लेफ्ट और राइट इक्वल है ए आई प्लस बी ए एन की जगह हम रखेंगे एम ए की पावर एम आई प्लस एम ए की पावर एम माइनस वन बी ए ये सेकेंड स्टेप के लिए रिजल्ट ट्रू है स्टेप थर्ड पुट करना स्टेप थर्ड में एन की जगह पे एम प्लस वन और उसमें टू प्रूव कर देंगे टू प्रूव अब एन की जगह एम प्लस वन पुट करना है तो यहां पर एन की जगह एम प्लस वन पुट करते हैं ए आई प्लस बी ए की पावर एम प्लस वन इक्वल टू ए की पावर एम प्लस वन आई प्लस एन की जगह एम प्लस वन ए की पावर एम प्लस वन माइनस वन इंटू बी ए आ जाएगा ए की पावर एम प्लस वन प्लस एम प्लस वन ए की पावर वन से वन कट हो गया एम इंटू बी अब हम क्या करेंगे ये प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है तो हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे तो फिर रिजल्ट ट्रू हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन से ये सारा प्रूव हो जाएगा तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे और राइट हैंड साइड ये प्रूव कर लिया तो लेफ्ट हैंड साइड है ए आई प्लस बी ए की पावर एम प्लस वन इसको ब्रेक कर लें इसको लिख सकते हैं ए आई प्लस बी ए की पावर एम पावर लग कर दी और ए आई प्लस बी ए की वन पावर लग कर दी क्योंकि बेस सेम है पावर ऐड करो एम प्लस वन यही बनेगा तो पावर अलग अलग कर दी एम पावर अलग कर दी वन पावर अलग कर दी बट इसकी वैल्यू सेकंड स्टेप में गिवन है क्योंकि सेकंड स्टेप में रिजल्ट ट्रू है तो उसके लिए ए आई प्लस बी ए की पावर एम इसके इक्वल दिया हुआ है तो ए आई प्लस बी ए की पावर एम की जगह ये पुट करेंगे ये आ जाएगा ए की पावर एम आई प्लस एम ए एम माइनस वन बी ए ये वैसे ए आई प्लस बी ए अब हमने मल्टीप्लाई करना है
कि इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा पहले फर्स्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसका फर्स्ट वाला एलिमेंट ए की पावर एम को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट वाला एलिमेंट। इसका फर्स्ट वाला एलिमेंट क्या है? ए आई प्लस। अब फर्स्ट वाले एलिमेंट को सेकेंड वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट नंबर हमारे पास है ए एम आई, इसका सेकेंड नंबर है बी ए प्लस। अब ये सेकेंड नंबर है, इसको फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड नंबर है एम ए की पावर एम माइनस वन बी ए को फर्स्ट वाले नंबर के साथ करने लगी हूं ए आई। अब सेकेंड वाले नंबर को सेकेंड वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो एम ए की एम ए एम माइनस वन बी ए सेकेंड वाला नंबर है बी ए, बी ए के साथ करना मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने लगे हैं तो ये बेस सेम है, पावर ऐड होकर क्या बन जाएगा एम, ये पावर वन है एम प्लस वन, आइडेंटिटी टू आइडेंटिटी आइडेंटिटी होता है प्लस, ये बनेगा ए की पावर एम बी ए। आइडेंटिटी को बी ए से मल्टीप्लाई किया बी ए होता है, आइडेंटिटी मतलब वन, वन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया वही नंबर आ जाता है, तो आइडेंटिटी को बी ए से करें बी ए आ जाएगा प्लस। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये बी ए सेम है, पावर ऐड होकर क्या बन जाएगी एम माइनस वन, यहां पर वन है तो प्लस वन आ जाएगा, साथ में बी ए प्लस। अब ये मल्टीप्लाई करना है एम ए की एम माइनस वन, बी को बी से मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर, ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर आ जाएगा। ए की पावर एम प्लस वन आई प्लस ए की पावर एम बी ए प्लस एम ए, ये माइनस वन प्लस वन कट हो गया एम बी ए प्लस। अब हम सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं ए स्क्वायर, हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, ए गिवन हमारे पास जीरो वन जीरो जीरो। अब हमने निकालते हैं पहले ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई ए, यानी जीरो वन जीरो जीरो को मल्टीप्लाई करना है जीरो वन जीरो जीरो के साथ। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई आता करना फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ किया जीरो वन जीरो का जीरो, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ किया जीरो को वन से किया जीरो, वन को जीरो से किया जीरो, सारा आंसर जीरो। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया जीरो जीरो का जीरो प्लस जीरो जीरो का जीरो, ये भी जीरो आता। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ किया जीरो को वन से किया मल्टीप्लाई जीरो प्लस जीरो को जीरो से किया, ये भी जीरो, सारा जीरो आ गया। यानी ए स्क्वायर का आंसर कितना आ गया जीरो, यानी इसका आंसर ओ मैट्रिक्स आ गया, ओ मतलब जीरो मैट्रिक्स। तो इसकी वैल्यू अगर हम जीरो पुट करेंगे ये सारा नंबर जीरो हो गया, ये सारा नंबर जीरो हो गया, सिर्फ अकेला ये बचेगा एम ए की पावर एम इंटू बी ए, ये सारा नंबर जीरो हो गया। अब इसमें ए की पावर एम प्लस वन, हमने ये प्रूव करना है राइट हैंड साइड, ए की पावर एम प्लस वन आइडेंटिटी ये बन गया प्लस, ये ए की पावर एम, ये ए की पावर एम कॉमन निकाल देते हैं, साथ में बी ए ये कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या रह जाएगा एम प्लस वन, बाहर कॉमन निकल गया ए की पावर एम बी ए, राइट हैंड साइड बन गई ए की पावर एम प्लस वन आइडेंटिटी प्लस एम प्लस वन ए की पावर एम साथ में बी ए, तो ये राइट हैंड साइड बन गई, तो रिजल्ट ट्रू हो गया, रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू एम प्लस वन, तीनों रिजल्ट ट्रू हो गया, आंसर आ गया। लेट ए बी बी मैट्रिसेस सच दैट दे कम्यूट, ए बी मैट्रिसेस ले ली सच दैट कि वो कम्यूट कर लिया, कम्यूट का मतलब है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, कम्यूट कर रही है। शो दैट फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन ए बी की पावर एन इज इक्वल टू बी की पावर एन ए, शो करना है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर एन पे ये वैल्यू इक्वल आ जाए, तो एन की वैल्यू पुट करनी है, इंडक्शन से सॉल्व करेंगे, फर्स्ट स्टेप एन को वन पुट करेंगे, फिर एन को एम पुट करेंगे एंड थर्ड स्टेप एन को एम प्लस वन पुट करेंगे। हमें ये चीज गिवन है कि ए बी और बी ए कम्यूट कर रहे हैं, कम्यूट का मतलब होता है ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो तीन स्टेप करेंगे। फर्स्ट स्टेप पुट एन इज इक्वल टू वन, अब एन को वन पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड की आ जाएगी ए बी की पावर वन बी की पावर वन इंटू ए, यानी आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये तो ट्रू है क्योंकि गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी कि ए और बी मैट्रिसेस सच दैट दे कम्यूट, ए बी मैट्रिसेस वो है कि वो कम्यूट कर रहे हैं, तो कम्यूट कर रहे हैं वो हमें गिवन है, तो एन वन पुट करने में भी कम्यूट कर रहे आ रहे हैं, तो रिजल्ट इज ट्रू, सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन। अब स्टेप सेकेंड में
सपोज कर लेते हैं, सपोज दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m, m के लिए रिजल्ट ट्रू है, हम n की जगह m पुट करते हैं, a b की पावर m इज इक्वल टू b की पावर m इंटू a। अब स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में टू प्रूव करते हैं, पुट पहले पुट करते हैं n इज इक्वल टू m प्लस वन, तो थर्ड स्टेप में n की जगह हम m प्लस वन पुट करने लगे हूं, m प्लस वन इज इक्वल टू b की पावर m प्लस वन a। अब हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे और राइट साइड प्रूव करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड है ए बी की पावर एम प्लस वन, राइट साइड प्रूव करनी है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ए बी की पावर एम प्लस वन को लिख सकते हैं बी की पावर एम इंटू बी की पावर वन, पावर अलग अलग कर दिया, एम अलग कर दिया, वन अलग कर दिया, ये आ जाएगा बी की पावर एम इंटू बी। तो हमारे पास है फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप में था कि बी की पावर एम ए किसके इक्वल होता है, ए बी की पावर एम, यानी a आगे आ जाएगा b की पावर m पीछे आ जाएगा, कम्यूट कर जाएंगे। सेकेंड स्टेप के लिए रिजल्ट ट्रू है, b की पावर m इंटू a, यहाँ पर है b की पावर m इंटू b, a की जगह क्या मैट्रिक्स है, b मैट्रिक्स है, तो ये किसके इक्वल है, a b की पावर m, बट a की जगह हमारे पास मैट्रिक्स कौन सी है, b है, तो ये इसके इक्वल है, a की जगह हम b पुट करेंगे, साथ में क्या है b की पावर m, ये आ जाएगा। अब हम लगाने लगे एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में ब्रैकेट चेंज हो जाते हैं, ये यहां ब्रैकेट की जगह ए बी के ऊपर ब्रैकेट आ जाएगी, ए बी के ऊपर ब्रैकेट आ जाएगी बी की पावर एम, और साइड पे रीजन देना है बाय एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ ये आ जाएगा। बट स्टेप फर्स्ट में क्या था कि ए बी किसके इक्वल है, बी ए के, तो ए बी की जगह हम क्या रखने लगे हैं, बी ए स्टेप फर्स्ट। अब फिर हम एसोसिएटिव लॉ लगाने लगे हैं, तो आ जाएगा b, ब्रैकेट चेंज हो जाएगी, अब b a के ऊपर ब्रैकेट की जगह a b की पावर m के ऊपर ब्रैकेट आ जाएगी बाय एसोसिएटिव लॉ। अब a b की पावर m स्टेप सेकंड में, a b की पावर m किसके इक्वल है, b की पावर m इंटू a, इसकी वैल्यू पुट करेंगे b की पावर m इंटू a। अब बाय एसोसिएटिव लॉ लगाने लगी हूं, b b की पावर m के ऊपर ब्रैकेट आ जाएगी a बाय एसोसिएटिव लॉ, अब बेस सेम है पावर ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा b की पावर, बेस सेम है m प्लस वन इंटू a, तो लेफ्ट साइड कहां से स्टार्ट किया था, a b की पावर m प्लस वन, प्रूफ क्या कर दिया, b की पावर m प्लस वन ने, यही प्रूफ करना था b की पावर m प्लस वन a, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, लेफ्ट साइड शुरू किया राइट साइड के इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू एम प्लस वन, ये आंसर।